भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण में राहुल गांधी कन्याकुमारी के गांधी मंडप से पैदल यात्रा आरंभ कर रहे हैं। इस दौरान गांधी मंडपम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ शामिल होंगे। वही नगर निगम भिलाई चिरौदा के महापौर निर्मल कोसरे ने भी इस यात्रा में सहभागिता निभाते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष पर देश को जोड़ने की जरूरत है, जिससे सामाजिक एकता बनी रहे, इस कारण यात्रा की शुरुआत की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के कवर्धा जिले से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल होंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, देश के जो लोग हैं, देश के लोगों तक आवाज पहुंचनी चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो। प्रत्यक्ष रूप से आप देखे होंगे जिस प्रकार से संसद में विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, किसी भी समस्या जो है, ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन विषयों के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है, जिससे लोगों की बातें नहीं आ पाती। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय लिया कि लोगों के बीच जाएंगे, चूँकि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी रहा, लोगों के बीच में जाकर देश को जोड़ने की जरूरत है। जो सांप्रदायिकता लगातार फैलते जा रही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगातार किसी न किसी रूप में जो उस विचारधारा के लोगों में जो फैला रहे हैं, नफरत जो है, नफरत न फैले, लोगों के बीच में आपसी भाईचारा और सौहार्द की भावना बनी रहे, और पूरे भारत में रहने वाले लोग, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, जिस भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, हमें वैमनस्यता की भावना हो, एकजुटता की भाव हो, हम एकजुट रहेंगे तभी जो विदेशी ताकतें हैं उनसे हम लड़ सकते हैं। इसलिए भारत जोड़ो की यात्रा आज से शुरुआत की जा रही है। जब कवर्धा के पास मध्य प्रदेश से जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ शामिल होंगे, और कवर्धा के बाद से मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक की यात्रा में हम लोग खुद शामिल होंगे।